नए साल में पाकिस्तान का पाप फिर शुरू। सरहद पर पीठ पीछे पाक का घिनौना प्लान। बॉर्डर पर बैठ का सिर काटो कांड। सीमा पर पाक बैठ का बुजदिल अटैक। एलओसी पर भाजपा के कायरों की क्रूरता। सेना प्रमुख का ऐलान, बैठ का बनेगा कब्रिस्तान। Various incidents that are taking place on the LC. The LC, as you know, is a very active one. Intelligence alerts are received almost on a daily basis. All these are looked into very seriously. Border par baith ka aa gaya pura waqt. Baith ka bad action hoga khat. बैट का बैट गेम। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बैट का बैट गेम और मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। बैट मतलब बॉर्डर एक्शन टीम और ये टीम पाकिस्तान की है। इस टीम का बैट गेम क्या है, क्यों इस बैट के पीछे पाकिस्तान का डर्टी माइंड है, क्यों इस बैट से भारतीय सेना में गुस्सा है, अगले आधे घंटे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। यहां आपको यह बताते चलें कि बैट का एक और मतलब होता है चमगादड़, जिसे हम शुभ नहीं मानते। ऐसे में जो शुभ नहीं उसका अंत तो होना ही चाहिए। तो देखिए बैट का बैट गेम जिसका खात्मा होना जरूरी है। दरअसल इस कहानी की या पाकिस्तान के काराना हरकत की शुरुआत होती है 1947 के वक्त से। बंटवारे के बाद से ही सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है, जहां एक तरफ एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैट ने ऐसी काराना हरकत की जिसकी माफी नहीं। मगर बैट के एक्शन पर भारत का रिएक्शन क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। डरपोक पाकिस्तान, मिट जाएगा नामो निशान। छिप छिप कर कब तक बनाओगे घटिया प्लान। एक बार फिर सुनो भारतीय सेना का ऐलान। सब्र का मतलब इम्तिहान। नहीं तो खत्म हो जाओगे पाकिस्तान। दुनिया में कुछ भी हो सकता है,
लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आ जाए ऐसा लगता नहीं। एक तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती रहती है और अब एक बार फिर से एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट एक्टिव हो गई है। पाकिस्तानी सेना अब बर्बर कार्रवाई पर उतर आई है। पुंछ जिले के कुलपुर सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने शुक्रवार को भारतीय क्षेत्र में घुसकर सेना के साथ काम करने वाले एक पोर्टर का सरकलम कर दिया। एक पोर्टर की हत्या करने के बाद उसके शव को क्षत विक्षत करके बुजदिल भाग निकले। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की बैट ने किसी आम नागरिक के साथ ऐसी हैवानियत और बर्बरता की है। के साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस हमले में दो पोर्टरों की मौत हुई, साथ ही तीन लोग इसमें घायल भी हुए। खबरों के मुताबिक इस बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना और उसमें आतंकी भी शामिल हैं। इससे पहले पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना के जवानों के सर काटने की बर्बर घटना को पहले भी अंजाम दिया था। आगे हम आपको बैट की क्रूरता और कायरता की भी कहानी बताएंगे। इससे पहले हम आपको पोर्टरों के बारे में ये जानकारी देते हैं, आखिरकार पोर्टर कौन थे, सेना के साथ उनका क्या ताल्लुक था। सेना की मदद करने वाले स्थानीय लोग होते हैं पोर्टर। सरहद पर ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोग सेना की मदद करते हैं। चौकियों पर जरूरी सामान भेजने के लिए सेना के साथ रहते हैं पोर्टर। मदद करने के लिए पोर्टर्स को सेना मेहनताना देती है। पोर्टर्स को ना कोई छुट्टी मिलती है और ना ही चोट लगने या मौत के बाद कोई मुआवजा। लेकिन अब जल्द ही इन पोर्टर्स को भारतीय सेना में भर्ती का प्लान भी है, जिसके बाद उन्हें सैलरी के साथ साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की बैट को अब भारतीय सेना की मदद करने वाले पोर्टर खटकने लगे हैं, इसलिए अब पोर्टर और स्थानीय लोग बैट के निशाने पर हैं। लेकिन अब बैट का भी बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब पाकिस्तान और उसके कायराना हरकतों का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने और क्या कुछ कहा ये बताएं। इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तानी बैट क्या है और इसका काम क्या है। बैट का मतलब बॉर्डर एक्शन टीम या फिर बॉर्डर रेडर्स। एलओसी पर छापामार युद्ध में माहिर हैं। ये पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ काम करते हैं। बाकी खुफिया एजेंसी ISI इसे खबरें मुहैया करवाती है। बैट एलओसी या सीमा पर दुश्मन के इलाके में 1 से 3 किलोमीटर अंदर जाकर हमला करती है। 4 हफ्ते हवाई युद्ध के साथ इनकी कुल ट्रेनिंग करीब 8 महीनों की रहती है। हमलों के दौरान बैट इनाम के तौर पर सिपाहियों का सर काटकर साथ ले जाती है। तो समझा आपने पाकिस्तानी बैट किस तरह से बैट गेम खेलती है। लेकिन अब इस टीम का अंत होने वाला है, क्योंकि अब की बार जो बैट ने किया है उससे आर्मी चीफ नरवणे एक्शन लेने के पूरे मूड में आ गए हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट्स आर रिसीव्ड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ऑल दीज आर लुक्ड इनटू वेरी सीरियसली एंड इट इज बिकॉज ऑफ द round the clock and round the year alertness of the troops on the ground and their commitment to their duty that we have been able to foil all these attempts at the so-called bat action.
वहीं इसके साथ ही आर्मी चीफ ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान और बैट को ये बता दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ख्याल रखते हैं, वो सही तरीके से काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान कुछ भी करे और इसका जवाब उन्हें जल्द दिया जाएगा। वी विल ऑलवेज रिएक्ट और डू आवर ड्यूटी इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर एंड एज अ प्रोफेशनल मिलिट्री कीपिंग ऑल इंटरनेशनल लॉज रेगुलेशंस एंड कन्वेंशंस इन माइंड। जिस तरह से आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेताया है उससे अब पाकिस्तान की बैट टीम यानी बैट को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में आर्मी चीफ ने पीओके को लेकर जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और शायद यही वजह है जिसके चलते बौखलाए पाकिस्तानी बैट ने ये कायराना हरकत की। आगे आपको आर्मी चीफ के उस बयान को सुनाएंगे जिससे पीओके से लेकर पाकिस्तान तक में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। भले ही पाकिस्तान छिपकर कायरों के तरीके से हमला करे लेकिन इस बीच में पीओके को लेकर के हमारे आर्मी चीफ ने ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान न सिर्फ कांप रहा है बल्कि खौफ में है। देखिए इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ का बड़ा और धमाकेदार बयान, पीओके को लेकर कांप गया पाकिस्तान, क्या इसके बाद भी मानेगा आतंकिस्तान? कभी भी पीओके को लेकर हो सकता है ऐलान। सेना प्रमुख बनने के बाद से ही मनोज मुकुंद नरवाने एक्शन में है। जिस तरह एलओसी पर लगातार तनाव बना रहता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है उसे लेकर भारत की बार बार सख्ती के बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, और पीओके में पाकिस्तान चोरी छिपी क्या क्या करता है ये अब जग जाहिर है। पीओके में पब्लिक किस तरह से प्रताड़ित है इसकी तस्वीरें आए दिन सामने आती, और इन सब के बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। सबसे पहले आप सुनिए पीओके को लेकर आर्मी चीफ ने वो कौन सा बयान दिया जिससे पीओके को लेकर पाकिस्तान खौफ में है। जहां तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने आर्मी चीफ के 50 सेकंड के इस बयान के मायने क्या है, ये हम और आप जितना बेहतर समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का डर हर वक्त रहता है कि कहीं एक बार फिर पीओके में कोई स्ट्राइक न हो जाए, और जिस तरह से पीओके को लेकर भारत सरकार और भारतीय सेना गंभीर है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधर जाए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तानी सेना और उसकी बॉर्डर एक्शन टीम पीठ पीछे हमला कर रही है। अब वक्त है जब पाकिस्तानी सेना को उसी की भाषा में जवाब देना है, और इसकी तैयारी भी हो चुकी है, बस एक आदेश मिला और बैट का काम तमाम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
तो पाकिस्तान भले ही कितनी साजिश क्यों ना कर ले, बैट का बैट गेम भले ही बार बार सामने क्यों ना आए, लेकिन भारतीय सेना जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देती आई है और आगे ऐसा करारा प्रहार भी करेगी जिससे पाकिस्तान शायद कभी भारत की तरफ टेढ़ी और तिरछी आंख नहीं दिखा सकेगा।